हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉलम और स्प्रिंग्स के जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं उसको डिस्कस किए। कुछ कंसेप्ट अब हम लोग जो है वर्कबुक क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि हम लोग का जो प्रिपरेशन है और जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर हमारा अच्छा खासा ग्रैस्प हो। तो क्वेश्चन नंबर 62 से आप लोगों का कॉलम वाला पार्ट है, फिर हम लोग साथ ही साथ में इसी लेक्चर में हम लोग जो स्प्रिंग वाला पार्ट है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 62। ओके, पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पर 62। ओके, 62 लेता हूँ मैं। 62 में देखो बोल रहा है, अ स्टील बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 40x50 mm इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। इफ प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ द मटेरियल इज 230 MPa, ई इज इक्वल टू 200 GPa, द मिनिमम लेंथ फॉर विच कॉलम बिहेव्स एज यूलर कॉलम इज ब्लैंक मीटर्स। तो पहला तो आपको मिनिमम लेंथ कितनी होगी जिसके लिए ये यूलर्स कॉलम की तरह बिहेव करिएगा, इसकी बात की है। दूसरा बोला है वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा यहाँ पर। तो इसमें दो चीज़ें आपसे पूछा है। तो जो यूलर्स कॉलम है उसके लिए यूलर ने जो फॉर्मूला दिया है पाई स्क्वायर ईआई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, वो तो हम जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं। नाउ एक कर्व भी वहाँ पर दिया गया था। अब हम लोग जब ये बात करते हैं कि जो क्रिटिकल लोड होगा दैट विल बी पाई स्क्वायर ईआई मिनिमम अपॉन एल ई, दैट इज इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर, ये होगा। तो हम लोग इसमें ये भी मानते हैं कि जो आपका कॉलम का मटेरियल है दैट फॉलोज हुक्स लॉ। हम मानते हैं जो कॉलम है, कॉलम्स मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ। फॉलो कर रहा है भैया, ये हम लोग मान करके चल रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि हुक्स लॉ वैलिड कब तक होता है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ऐसा हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देख चुके हैं कि हुक्स लॉ एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो है वहीं तक आप लोगों का ये हुक्स लॉ वैलिड होगा। उस लिमिट को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो है। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक के आप लोग का हुक्स लॉ वैलिड होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक के, उसके बाद वैलिड नहीं होता। सो ये तो हमने देख रखा है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको स्ट्रेस का भी फॉर्मूला बताया था। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप एरिया का डिवाइड कर सकते हो। अगर इसमें इस तरह से एरिया का डिवाइड कर दोगे इस तरह से, तो ये जाएगा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर इंटू ए, ये हो जाएगा आपका। ये जो है बेटा पी बाई सी आर बाई ए, ये क्या दे देगा बोला था मैं आपको, क्रिटिकल स्ट्रेस दे देगा। यानी कि जब आप लोग क्रिटिकल कंडीशन में हो, क्रिटिकल सिचुएशन में जो स्ट्रेस आएगा अंडर द क्रिटिकल लोड वो इतना होगा फॉर द यूलर्स कॉलम, ठीक है। और यहां से हम लोग देख चुके थे दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये आप लोगों के पास आया था। लैम्डा क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, है ना। ये होता है आपके पास एल ई बाई के मिनिमम, ठीक है। सो ये हमेशा निकाला जाएगा, कभी भी जब कॉलम्स के कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो हमको पता है जो बकलिंग होगी, बकलिंग हमेशा उस एक्सिस के अबाउट होगी, बताया हूं मैं, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा होगा। यानी कि ऐसा भी कह सकते हो आप कि जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है ई इंटू आई वो मिनिमम होगी जिस एक्सिस के अबाउट फॉर द कॉलम, उसी एक्सिस के अबाउट वो बकल करेगा। एंड इफ आई इज मिनिमम, सो हम जानते हैं जो के होता है, के इज रूट ओवर आई बाई ए, ये होता है आपके पास। तो अगर I मिनिमम होगा तो K भी मिनिमम होगा, ठीक है। सो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोगों के लिए यूजफुल होगा क्योंकि हम लोग मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मिनिमम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग जब यहाँ पर स्लेंडरनेस रेशियो देखेंगे विच इज एल ई बाई के, तो हम लोगों को अगेन के मिनिमम ही कंसिडर करना होगा क्योंकि हम लोगों को बकलिंग की बात करनी है। बकलिंग विल बी अबाउट द एक्सेस अबाउट विच द रेडियस ऑफ जायरेशन इज मिनिमम, सो दैट इज वाई हम लोग मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन पर जाएंगे कभी भी, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिटिकल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब हम लोग जब इसमें बोल रहे हैं कि हुक्स लॉ वैलिड है, हुक्स लॉ वैलिड है बोल रहा हूं, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रेस कैन बी वॉट। मटेरियल में एक्सियल लोडिंग हो रही है, कंप्रेशन लग रहा है, जो आपके पास कॉलम है, जो भी कॉलम ले लो आप, जो उसका स्टैंडर्ड केस है, हम लोग जिसको स्टैंडर्ड केस मान के चलते हैं, दैट इज योर बोथ एंड हिंज इस तरह से, ओके, दिस इज एल ई, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ, ओके। नाउ इसमें आपने ऐसा लोड लगा रखा है तो इसमें स्ट्रेस आ रहा है, उसमें स्ट्रेस आ रहा है। नाउ दिस इज स्ट्रेस, ओके, शुड बी लेस देन क्रिटिकल स्ट्रेस फॉर स्टेबिलिटी, ओके। जैसे ही आप लोग
इसके बराबर आ चुके हो, अब कभी अब थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग लोड इंक्रीज करते हो, थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बिंग फोर्स बढ़ाते हो, तो कॉलम अब बकल कर जाएगा। अगर सिग्मा जो है वो बड़ा हो, बराबर हो जाए सिग्मा सी से, सिग्मा सी आर से, और अगर अगर ये हो गया, यानी कि जो इसमें स्ट्रेस आ रहा है, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन सिग्मा सी आर, तो भैया बकलिंग तो हो गई। ये तीनों जो मैंने लिखा है, इसके लिए क्या क्या मैंने बोल तो दिया, आप लोग क्या करिएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तीनों कंडीशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा लिख देना, ए बी सी, तो ए बी सी क्या बता रहे हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज मैंने पढ़ा चुका है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो मैं सभी के कमेंट्स देखता हूँ, सभी के कमेंट देखता हूँ, जितने लोग जब भी मैं बोलता हूँ कि ये बताना कमेंट सेक्शन में, तो बहुत लोग आंसर करते हैं, ठीक है, और अच्छा लगता है सब देख करके। चलिए, तो ये क्रिटिकल स्ट्रेस होता है हमारे पास, तो दो चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, एक तो बोल रहा हूँ कि मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है, और क्रिटिकल स्ट्रेस ही है। तो जो यूलर्स कर्व बनता है फॉर द कॉलम, यूलर्स कॉलम, वो इस तरीके से बनता है। इस एक्सिस में लेते हैं हम लोग क्रिटिकल स्ट्रेस, क्रिटिकल स्ट्रेस, और इस तरफ लेते हैं हम लोग लैम्डा, दैट इज एल ई बाई के मिनिमम, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, सॉरी स्लेंडरनेस रेशियो। सो यूलर्स कर्व किसके किसके बीच प्लॉट किया जाएगा? यूलर्स कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन द क्रिटिकल स्ट्रेस इन द कॉलम एंड द स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, और इस तरीके का कुछ आपको कर्व दिखता है लाइक दिस, ऐसा कुछ कर्व आप लोगों को मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। नाउ यहां पर देखोगे आप लोग जो स्ट्रेसेस हैं, जो स्ट्रेस है यहां पर, अब आप देखना इसका जो मतलब निकलता है और जो मतलब है उसमें थोड़ा सा आप लोगों को विरोधाभास हो सकता है। देखिए क्रिटिकल स्ट्रेस जो है यहां पर ज्यादा है, क्रिटिकल स्ट्रेस जो है वहां पर ज्यादा है जब स्लेंडरनेस रेशियो कम है। स्लेंडरनेस रेशियो बेटा, स्लेंडरनेस रेशियो कम होता है तो कॉलम जो होती है उसको हम लोग शॉर्ट कॉलम की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब ये क्योंकि यूलर्स कॉलम की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो पूरा रेंज होगा दैट इज फॉर दी लॉन्ग कॉलम्स ओनली, ये लॉन्ग कॉलम्स के लिए बस यूजफुल होता है, मैंने बताया था। तो जो ये पूरी रेंज है यहाँ से यहाँ तक जो रेंज दिख रही ग्राफ में, दिस इज फॉर दी लॉन्ग कॉलम्स ओनली, सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स के लिए, ठीक है। अब देखो तो जो मिनिमम लिमिट है क्रिटिकल इसकी, कितना आप लोग रख सकते हो स्लेंडरनेस रेशियो, उसकी मिनिमम लिमिट क्या होगी, आपको क्वेश्चन ने पूछा भी इस वाले क्वेश्चन में कि जो स्लेंडरनेस रेशियो क्या, मिनिमम लेंथ क्या है, ये सब आपसे पूछा है। तो देखो जो कॉलम में स्ट्रेस आएगा एज जो मटेरियल है विच दैट इज फॉलोइंग द हुक्स लॉ, सो द क्रिटिकल स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेस कैन बी इक्वल टू द स्ट्रेस एट प्रोपोर्शनल लिमिट। जो भी मटेरियल का स्ट्रेस है एट प्रोपोर्शनल लिमिट, और वो पता चल सकता है हमको सिंपल जो टेंशन टेस्ट है उससे पता चल सकता है कि इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट पे स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल लिमिट पे जो स्ट्रेस आया उसमें सिंपल टेंशन और सिंपल कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है, उसके बराबर आपके पास सिग्मा सी आर होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी भी स्थिति में जो क्रिटिकल स्ट्रेस है मटेरियल का, ठीक है, या कॉलम का, वो उस मटेरियल के प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं हो सकता। अदरवाइज ये जो यूलर थ्योरी ऑफ कॉलम है दैट विल नॉट बी वैलिड, बिकॉज हम लोग जो यूलर थ्योरी ऑफ कॉलम है उसका एक प्राइम यहाँ पर एजम्पशन होता है बेटा कि हुक्स लॉ फॉलो होना चाहिए, और हुक्स लॉ जो होता है बियॉन्ड द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इससे अगर आप ज़्यादा जाते हो तो दिस वैल्यू ओवर हियर, दिस सिग्मा सी आर इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, सिग्मा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बराबर है। तो इसके बियॉन्ड अगर आप स्ट्रेसेस लगाते हो और इससे ज़्यादा स्ट्रेसेस लगाते हो सो यू विल बी आउटसाइड ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और हुक्स लॉ फिर वहाँ पर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई जो सिग्मा सी आर है दैट कैन नॉट बी हायर देन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट फॉर द यूलर्स कॉलम, ओके। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है बोला मैं, यूलर्स कॉलम के, तो ये पॉइंट याद रखना यूलर्स कॉलम के लिए। अब देखो जैसे 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 आप यहाँ पर जैसे जैसे आप यहां पर स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ा रहे हो, अब इससे जो गलत कंक्लूजन बच्चे ड्रॉ करते हैं मैं उस पर बात करने जा रहा हूं, ठीक है। आप जैसे जैसे स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू कम आ रही है, तो ये अच्छा है या खराब है पहले तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये अच्छा है या खराब है। तो मैं बताता हूं ये खराब है। खराब ऐसा है कि जो क्रिटिकल स्ट्रेस है That is basically the stress which the column can carry without buckling. Sigma CR बोल लो या PCR बोल दो, PCR is the axial load which the column can carry without buckling. Sigma CR अगर बोलोगे that is a stress, तो ये sigma CR जो है बेटा ये वो stress है जो column without buckling carry कर सकता है, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा करोगे buckling हो जाएगा।
तो अगर ये वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब आपका जो कॉलम है वो कम स्ट्रेस बियर कर सकता है। अगर लोड के टर्म में बात करें तो कम लोड बियर कर सकता है। तो अगर स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ा रहे हो तो सिग्मा सी आर इज रिड्यूसिंग। यू कैन सी के लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, तो बेटा उस कंडीशन में जो सिग्मा सी आर है दैट इज रिड्यूसिंग। एंड जस्ट रिमेंबर दैट सिग्मा सी आर इज नॉट द इंड्यूस्ड स्ट्रेस। ये इंड्यूस स्ट्रेस नहीं है। आई बात समझ में? क्या आपने इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है? क्या आप इसके फॉर्मूले को देख लो ना, आप इसके फॉर्मूले को देख लो, इसके फॉर्मूले को देख लो आप। ये सारी जो चीजें हैं ये कोई इंड्यूस स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा है कि इसमें इतना स्ट्रेस पैदा हुआ। ये वो स्ट्रेस है जो ये झेल सकता है विदाउट बकलिंग। आई बात समझ में? ये इंड्यूस स्ट्रेस नहीं है। आप जैसे बोल रहे हो कि कोई लोड लगा और उसमें इतना स्ट्रेस आया, दैट इज द इंड्यूस स्ट्रेस, बट ये इंड्यूस स्ट्रेस नहीं है। दिस इज द क्रिटिकल स्ट्रेस, दिस इज द क्रिटिकल स्ट्रेस। और लोड की बात करें तो क्रिटिकल लोड यानी कि अधिक से अधिक लोड जो लगाया जा सकता है, अधिक से अधिक स्ट्रेस जो एक कॉलम बियर कर सकता है विदाउट फेलियर। तो एक तरह से ये स्ट्रेंथ है इसका, ये इसका स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है फॉर अ गुड स्टेबिलिटी। ठीक है, ये इसके स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों का क्राइटेरिया है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों का क्राइटेरिया है। दैट इज व्हाई सिग्मा सी आर इज व्हाट इज द इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस। अगर मैं बात करूं पीसीआर की तो बेटा पीसीआर क्या होगा? मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड। ठीक है, विच द कॉलम कैन कैरी विदाउट विदाउट बकलिंग। और बकलिंग क्या होता है बेटा? बकलिंग आपका एक मोड ऑफ फेलियर है, मैंने बता दिया। बकलिंग एक मोड ऑफ फेलियर है, इलास्टिक ड्यू टू ड्यू टू इलास्टिक इंस्टेबिलिटी जो कॉलम है वो फेल हो रहा है। ठीक है, दैट इज बकलिंग। सो अगर सिग्मा सी आर कम हो रहा है यानी कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, और ये थोड़ा सा लोड लगाने पे क्या हो जाएगा? फिर बकल कर जाएगा। तो जो आगे जो हायर वैल्यूज ऑफ, जैसे कि ये वाला दिख रहा है आपको, जैसे ये वाला दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये वाला, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, देखो हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा है, हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा है, लोअर वैल्यू ऑफ सिग्मा सी आर है, यानी कि कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा है। तो लॉन्ग कॉलम है काफ़ी इस वाले के कंपेयर में, ये वाला कॉलम ज़्यादा लॉन्ग है ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और फिर इसमें जो क्रिटिकल स्ट्रेस है वो देखिए इसके कंपेयर में तो भैया बहुत कम है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो कॉलम है वो इसके कंपेयर में कम स्ट्रेस बेयर कर सकता है। सो दिस कॉलम विल बी वीक एज कंपेयर टू दिस कॉलम। चलिए मान लेते हैं कि ये वाले और ये वाले दोनों के केस में ना, दोनों के केस में के सेम था। के तो क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, आई मिनिमम बाई ए है ना, रूट ओवर आई मिनिमम बाई ए होने वाला है। तो क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन चेंज ना करूं मैं, तो मैं हर जगह अगर मैं बोल दूं कि के कॉमन है, समझना मेरी बात को, मैं बोल दिया के मिनिमम जो है वो इस केस में भी सेम है, समझना मेरी बात को। फर्स्ट केस और मैं बोल रहा हूँ सेकेंड केस में, दोनों केस में लेट से के कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स हम लोग डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लेंथ ऑफ द कॉलम। यानी कि जैसे कि हमको क्वेश्चन दे रखा है, हमको क्वेश्चन में 40x50 का क्रॉस सेक्शन दे रखा है, तो हम ये तो इसको चेंज नहीं कर रहे, हम चेंज किसको कर दे? लेंथ को। तो बेटा लैम्डा चेंज हो जाएगा क्योंकि एल ई बाई के मिनिमम होता है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, तो लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ई। तो अब आप लेंथ बढ़ाते जाओ, आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। सो के को आप रख दो कितना, 40x50 जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब आप लोग लेंथ को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कहाँ तक कम कर सकते हो? लेंथ को जैसे जैसे कम करते जाओगे आपको फायदा होते जाएगा। आपको बेसिकली लेंथ कम करने पे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्रिटिकल स्ट्रेस है दैट इज दी स्ट्रेस विच द कॉलम कैन कैरी, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अब इसकी क्षमता जो, इसकी जो ताकत है इस कॉलम की, वो बढ़ रही है। नहीं तो ये इसके ऊपर, जब आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो इस एक्सिस में, मतलब क्या है? आपका कॉलम स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप इसमें नीचे की तरफ जा रहे हो बेटा, इसका मतलब कॉलम वीक हो रहा है। ठीक है, इस एक्सिस की बात करें, इस एक्सिस की बात करें, इफ के मिनिम, के को आप कांस्टेंट रख दे रहे हो, जैसे कि के को सपोज आप कांस्टेंट रख दे रहे हो, फिर के में अगर वेरिएशन कर रहे हो सो उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं कर रहे हो, मेजोरिटी ऑफ वेरिएशन जो हो रहा है दैट इज इन द इफेक्टिव लेंथ, ऐसा मैं बोलूँ। अगर जैसे फिलहाल के लिए तो मैं के मिनिमम को सेम रखा हूँ, लेकिन क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखोगे अगर क्रॉस सेक्शन के मिनिमम में कॉन्स्टेंट रख दूँ तो इधर आने पे क्या हो रहा होगा?
इस तरफ आने पे लेंथ रिड्यूस हो रही है और उस तरफ जाने पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, बेसिकली ऐसा बोल सकता हूँ मैं, है ना। सो लेंथ रिड्यूस कर रहा हूँ तो एक मिनिमम वैल्यू ऑफ लेंथ होगी, एंड दैट फॉर मिनिमम वैल्यू हियर लैम्डा इज मिनिमम, है ना, या लैम्डा मिनिमम है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा मिनिमम यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो की मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, एट सिग्मा सी आर इज इक्वल टू सिग्मा पी एल, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मिलेगी। और इफ आप के को चेंज नहीं करते हो फ्रॉम हियर टू हियर, अगर के आपका कॉन्स्टेंट है तो मैंने बोला है सिग्मा जो लैम्डा है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ई, तो आपको बेटा करस्पॉन्डिंग जो एल ई है वो वैसे भी मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो हमारा जो क्वेश्चन है अब उसका, उसके लिए मैंने काफ़ी डिस्कशन किया आपसे, अब आप इजीली बना सकते हो। तो जो सिग्मा सी आर है आपके पास, सिग्मा सी आर उसको इक्वल टू कर दो सिग्मा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के, एंड देन पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इससे इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो लैम्डा है ना, लैम्डा जो है आप लोगों को उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हो सिंपली ई आई मिनिमम, ओके ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर बाई ए, इसको ऐसा लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, या फिर आप प्रॉपरली जो लैम्डा है उसको एल ई बाई के मिनिमम जैसे लिखते हो, तो पहले के मिनिमम निकाल लो, ठीक है, जैसे भी आपको आसान लगे कैलकुलेशन वाइज। और हमेशा याद रखना, देखिए मेरे पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके पास नहीं रहता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ इस पॉइंट को कि कभी भी प्रैक्टिस करो आप लोग, तो जो रियल टाइम सिचुएशन आपको एग्जाम में फेस करनी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो। यानी कि क्या, यानी कि ये कि आप लोग जो हैं जैसे कि एग्ज़ाम में जब दोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि माउस एक्सेट्रा का इस्तेमाल करके आपको वर्चुअल कैलसी ऑपरेट करना है। तो कभी भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो अपने रिवीजन टाइम में या क्लास में, जब आप क्वेश्चंस बना रहे होते हो, वीडियो देखते समय जब क्वेश्चन बना रहे होते हो, तो हमेशा बेटा जो माउस होता है ना उसका इस्तेमाल करके वर्चुअल कैलसी को ऑपरेट किया करो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है। अभी जैसे आपके पास लैपटॉप एक्सेट्रा या डेस्कटॉप एक्सेट्रा घर पर नहीं है, टैबलेट एक्सेट्रा नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा, 20 से 30 रुपए हार्डली, चलो बहुत ज्यादा मैं एकदम महंगा भी बोल दूं तो 100 रुपए का एक आपके पास ओटीजी केबल आ जाएगा, और अमेजोन पे आपको इजिली अवेलेबल होगा, आपके नियर अबाउट जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होगी, मोबाइल शॉप होगी, वहां मिल जाएगा। उसमें एक 150 रुपीस का, 150 रुपए का आपके पास माउस आ जाता है, अटैच कीजिए मोबाइल से, विथ हेल्प ऑफ माउस आप लोग ना प्रैक्टिस किया कीजिए, मैं बता रहा हूँ बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा। अभी आपको कहीं आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे रियल टाइम सिचुएशन में, जब आप लोग एग्जाम दोगे वहां पर, तब आपको ये चीज फील होगा कि बहुत हेजिटेट करता है माउस से वर्चुअल कैलसी यूज करना। तो जिन लोगों को अपने मोबाइल के टचपैड की आदत हो जाती है, उन लोग बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं वहां पर एग्जाम हॉल में, और वो डिस्कम्फर्ट जो है वो हेजिटेट करता है, और आंसर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और जहां एक बार कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप होना चालू हुआ ना, एकदम वो यील्ड पॉइंट जैसा है, फिर आप ड्रॉप ही होते चले जाते हो, समझ रहे हो, ये बात को आप भूलना नहीं। तो कॉन्फिडेंस लूज करना नहीं हमको, किसी भी जगह नहीं छोड़नी कि जहाँ से हमारे लिए जो हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो सके। तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको एकदम माइंड करना और बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना, देखना उसका रिजल्ट आप लोगों का रिफ्लेक्ट होगा गेट एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है। सो सिंपली इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, है ना, सिंपली आप लोग सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। तो सिग्मा जो सी आर है दैट इज पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई बाई के, ओके होल स्क्वायर, ये जो है आपके पास के आप लोग निकाल लोगे रूट ओवर आई मिनिमम अपॉन ए से। बेटा आई मिनिमम कैसे निकलेगा, आई मिनिमम निकलेगा आपके पास 50 × 40³/12 करके, ठीक है। हमको आई की मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है ना, दो होगी, एक रेक्टेंगल है, एक तो होगा 40 × 50³/12 और दूसरा होगा 50 × 40³/12। मेरे हिसाब से भाई यही तो आपका मिनिमम हो गया आपके पास, ये आपके पास मिनिमम होगा क्योंकि यहाँ 50 का क्यूब है, ऑब्वियस सी बात है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ले लिया हम लोग, एरिया क्या हो जाएगा 40 × 50, है ना, ये हो गया। यहाँ से आप लोग निकालिएगा, ठीक है, के निकल जाएगा, यहाँ से आप लोग सॉल्व करना वैल्यूज आपको, जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पे स्ट्रेस की जो वैल्यू है 230 MPa वो दे रखी है, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को जो लेंथ है वो मिल जाएगा मिनिमम लेंथ, ठीक है। क्योंकि ये जहाँ यहाँ पर जब हम लोग ये पुट करते हैं तो ये जो आपके पास लैम्डा है दैट इज योर स्लेंडरनेस रेशियो, दैट
becomes minimum. Okay, जब आप लोग इसकी जगह ये put कर दोगे, sigma CR equal to जब proportionality limit put कर दोगे, तो बेटा उस condition में हमको minimum value ही मिलने वाली है. Graph से clear हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? ये हो गया. Then जब आपके ये early minimum आ जाएगा आपके पास, तो बेटा उस condition में आप लोग जो lambda है, उसकी value निकाल लोगे यहाँ पर. That is LE by K minimum के formula से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है? यहाँ पर आप लोग का दोनों मिनिमम है, तो आप लोग बेसिकली निकाल पाओगे डायरेक्टली. तो आप लोग बताना क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना. मैंने सारा चीज़ आपके सामने रख दिया है, आपको बस कैलसी चलाना है, कैलकुलेट करना है बेटा, और आंसर बताना है आपका आंसर क्या आ रहा है. अगर आपका आंसर मिसमैच हो रहा है तो इतने सारे लोग कमेंट करेंगे, आपको बिल्कुल आंसर दिख जाएगा, तो बिल्कुल वरी नहीं करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. तो अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं. The buckling load for a column pinned at both end is 10 kN. If the ends are fixed, दोनों end उसके fixed कर दिए गए हैं, ठीक है? Then the buckling load will be. तो buckling load कितना हो जाएगा? तो आपको जो 63 है उसमें first जो condition दी है critical load की बेटा, वो दे रखी है आपको both end hinged की, ठीक है? दोनों end hinged या दोनों end pinned एक ही मतलब होता है, ठीक है? याद रखना, both end pinned या बोथ एंड हिज्ड बोलते हैं, तो दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है? सो इसकी वैल्यू जो होगी, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर जैसे होती है. तो अगर एल आपके कॉलम की लेंथ है, तो फॉर बोथ एंड हम लोग ने देखा है बोथ एंड हिज्ड एल ई जो होता है दैट इज इक्वल टू एल होता है, ठीक है? तो जो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, ये जो है दिस इज वैल्यू ऑफ पी सी आर वन, दैट इज फॉर बोथ एंड, फॉर बोथ एंड्स पिंड, है ना? इसके लिए आपको ये मिल गया. अब हम लोगों को आगे बढ़ना है. आगे बोल रहा है जो सेकेंड केस है, इसमें जो आप लोगों को पी सी आर मिल रहा है, पी सी आर टू बोलूँ, सो दिस इज फॉर दी बोथ एंड्स, बोथ एंड्स फिक्स बोल रहा है, ठीक है? बोथ एंड्स फिक्स बोल रहा है. तो देखो क्या हो जाएगा, ये अगेन पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर. नाउ यहाँ पर बोथ एंड फिक्स्ड के लिए कमेंट करके बताना तुरंत क्या होता है हमारे पास एल ई का वैल्यू, है ना? कमेंट कर दिए, नहीं किए तो करो, वीडियो पॉज करो, याद कर लो. जो चार केसेस है उसके लिए अगर एल ई याद नहीं है ना, तो एग्जाम में ये दो नंबर का क्वेश्चन हो या एक नंबर का क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, कभी नहीं बना पाओगे, मतलब कभी नहीं बना पाओगे अगर ये चार जो एल ई की वैल्यू है अगर वो याद नहीं है तो, ठीक है? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जीरो कन्फ्यूजन रखना है यहाँ पर. चार बार, दस बार, चालीस बार, जितने बार लिख के याद करना पड़े कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है? और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो एल ई जो होता है फिक्स एंड के लिए, मैं बताता हूँ आपको, एल बाई टू होता है. एल बाई टू, अगर एल यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉलम दिख रही है आपको, ओके? तो यहाँ से हो जाएगा एल बाई टू का होल स्क्वायर, दैट इज एल बाई फोर हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई फोर, फोर ऊपर जाएगा, फोर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर लिख दूंगा. अब देखो ये जो है, दिस इज द पी सी आर वन, और बेटा पी सी आर वन यानी कि फर्स्ट केस का जो क्रिटिकल लोड है वो दे रखा है आपको 10 किलो न्यूटन. तो ये जो वैल्यू है, दिस इज 10 किलो न्यूटन, सो 4 इंटू 10 दैट इज 40 किलो न्यूटन. 40 किलो न्यूटन जो होगा दैट विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर. तो क्रिटिकल लोड देखो बढ़ गया आपके पास, यानी कि अब ऐसा मैं बोलूँ, कंपेयर करके बोलूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो, सीधा याद रख सकते हो, पी सी आर टू जो मैंने लिखा है, दिस इज फॉर बोथ एंड्स फिक्स, दोनों एंड्स को फिक्स, और यहाँ जो लिखा हुआ है पी सी आर वन, ओके, दिस इज फॉर बोथ एंड्स हिंज. तो क्या देखने को मिला, देखो कुछ बाकी कुछ चीज़ें तो मैंने चेंज की नहीं है, सारी चीज़ें सेम है, बस एंड कंडीशन चेंज हुई है. कुछ भी आई में चेंज किया हो, लेंथ में चेंज किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है. एवरीथिंग इज सेम बट द एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम इज डिफरेंट. तो बेटा यहाँ हम लोगों को याद रख सकते हो यहाँ से, कि जो हमारा बोथ एंड फिक्स का क्रिटिकल लोड होता है वो बोथ एंड हिंज का चार गुना होता है, फोर टाइम्स हायर होता है, ठीक है? सो एंड कंडीशंस आल्सो अफेक्ट द क्रिटिकल लोड. एंड कंडीशंस आप चूज करते हो जो भी आपकी नीड होती है उसके हिसाब से, तो उसका जो क्रिटिकल लोड है वो बढ़ जाता है. दैट मींस क्रिटिकल लोड क्या होता है, इंड्यू, ये लोड जो लग रहा है वो होता है, या जितना लोड सह सकता है वो होता है, बताना कमेंट करके. तो मैं बताता हूँ आपको, ये जो सह सकता है, जो अधिक से अधिक लोड आप लगा सकते हो वो होता है ये.
तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है बेसिकली जो कॉलम की ऊपर रही है, ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स अब झेल पाएगा विदाउट बकलिंग। सो दिस एज वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर दी ऑलर्स कॉलम, दैट्स व्हाई मैं बकलिंग की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। चलिए फिर, तो ये वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यहां सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछा है फॉर व्हाट मिनिमम फोर्स दिस PQ जो आपको एक इंक्लाइंड इस तरह से 45 डिग्री पे L लेंथ का रॉड दिया हुआ है, ठीक है। EI उसकी रिजिडिटी है, उसकी फ्लेक्सर रिजिडिटी है उसकी। अब बोल रहा है कि F की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिसमें ये बकल हो जाएगा। सो क्रिटिकल लोड यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो एज बोथ एंड्स जो है वहाँ पर पिंड है इसके, ओके बोथ एंड इसके पिंड है, इस तरह से आपके पास ये P है, दिस इज Q। नाउ देखना ध्यान से, ये ऐसा रोलर सपोर्ट लग रहा है इसमें इस तरह से, और यहां पर इसको ऐसा हिंज रखा गया ये। अब इस वाले पॉइंट पे आप ऐसा एफ फोर्स लगा रहे हो, ये जो है दिस इज मेकिंग 45 डिग्री यहां पर इस तरह से बना रहा है। नाउ ऑब्वियसली बात है दिस रोलर सपोर्ट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसका सपोर्ट का डायग्राम देख करके समझ आ रहा है हमको कि ये इस डायरेक्शन में मोशन रेजिस्ट नहीं करता। सो इट विल मूव बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन, करने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट कोशिश करेगा। सो दिस विल, अगर आप चेक करो, दिस इज क्यू डैश, तो आप देख सकते हो पी तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा क्योंकि वो तो हिंज है। तो पी क्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन पी क्यू डैश, यानी कि एफ फोर्स लगाने पे लेंथ देखो कम हो जा रही है, यानी कि इसमें क्या इंड्यूस होने वाला है बेटा, कंप्रेशन इंड्यूस होने वाला है, इसमें कंप्रेशन इंड्यूस होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बकल, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब इसमें कितना कंप्रेसिव फोर्स आएगा दैट वी हैव टू सी, उसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि F कितना लगाना है। हमको पहले तो ये पता करना है कि इसमें कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों को F की वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि F जो है वो एक्सल डायरेक्शन में नहीं है, हमको देखना है कि एक्सल डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है, ठीक है। चलिए ओके, तो यहां पर ये जिसमें फोर्स आ रहा है ओके ये इस तरह से, तो ये जो पॉइंट है आपके पास इसमें सपोर्ट लगा हुआ है, थोड़ा फिर से बना लेता हूँ इसको। तो इस वाले पॉइंट पे सपोर्ट लगा हुआ, तो यहाँ पर एक रिएक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरह से फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें इस तरह से कंप्रेशन फोर्स जो है, इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स है वो इंड्यूस हो रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस हो रहे हैं इस पी क्यू में, ठीक है। इधर भी इस तरह से रिएक्शंस आएंगे, इसमें इस तरह से रिएक्शंस आपके आएंगे लाइक दिस, ऐसे इसमें रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। सो दिस इज आर पी इन एक्स डायरेक्शन, आर पी रिएक्शन एट पी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से आएगा, दिस इज आर क्यू। अब पॉइंट क्यू पे हम लोग जो है एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देते हैं पॉइंट क्यू पे, तो हम लोगों को जो हमारे पास फोर्स सिस्टम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, देखो तो पॉइंट क्यू का मैं डायग्राम बनाता हूँ, पॉइंट क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो देखो ये जो एफ फोर्स ऐसा लग रहा है, इसको मैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के लॉ से इसको आगे इस तरफ शो कर सकता हूँ, तो एफ को ऐसा शो कर दिया मैं, ठीक है, ये इसको मैं इस तरह शो कर दिया, दिस इज आर क्यू, और इसको इस तरफ शो कर दिया लाइक दिस, ऐसा शो किया जा सकता है, ठीक है। जो कंप्रेसिव फोर्स वाला है, कंप्रेसिव फोर्स मीन्स टूवर्ड्स दी क्यू आर इस तरह से, तो ये जाएगा आपके पास सी, जो कंप्रेसिव फोर्स इसमें आ रहा है, ठीक है, एक्सल कंप्रेशन जो आ रहा है इसमें। नाउ ये एंगल था बेटा आपके पास 45, ठीक है, ये एंगल आपके पास 45 था, 45 ओके, तो ये एंगल 45 होगा आपके पास, तो ये एंगल जो हो गया आप टोटल यहाँ से हो जाएगा 135 डिग्री, ये एंगल भी हो गया आपके पास 135 डिग्री, टोटल हो गया 270, और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री। सिंपल आप चाहो तो लामिस थ्योरम लगा सकते हो या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कर सकते हो, तो यहाँ लामिस थ्योरम लगाया मैं, तो सी अपॉन साइन 90 है ना, ये फोर्स और इसके सामने वाला एंगल इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन 135, ये हो गया क्या आपके पास, ठीक है। तो जो कंप्रेशन जो इसमें आ रहा है, सी दैट इज एफ अपॉन साइन 135 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 करोगे वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो एफ अपॉन साइन 135 ओके, तो ये 1 अपॉन साइन 135 कितना रहा है भाई, मुझे तो चेक करना चाहिए, है ना, रूट 2 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज
रूट टू टाइम्स ऑफ एफ आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो जो सी आपके पास आ रहा है दैट इज रूट टू टाइम्स ऑफ एफ, ओके, दैट इज रूट टू टाइम्स ऑफ एफ। तो इतना कंप्रेसिव फोर्स इसमें आपके पास आ रहा है, ठीक है, इतना कंप्रेसिव फोर्स इसमें आ रहा है, क्लियर। नाउ ड्यू टू दिस कंप्रेसिव फोर्स, ड्यू टू दिस कंप्रेसिव फोर्स दिस इज गोइंग टू बकल, दिस इज गोइंग टू बकल। तो जो सी की जो वैल्यू है, ओके, सी की जो वैल्यू दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। दोनों पिन है तो एल ई की जगह आप सीधा एल लिख सकते हो, ये हो गया आपके पास, ठीक है, ये हो गया। नाउ ये आपके पास किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन एंड दिस इज बेसिकली द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स, जो मैक्सिमम ये झेल सकता है। तो आप जब फोर्स जैसे जैसे लगाते जाओगे वैसे वैसे जो इसमें सी की जो वैल्यू है वो इसकी क्रिटिकल वैल्यू के क्लोज जाती जाएगी, ठीक है। और जैसे ही इसको एग्जीट कर दोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, कॉलम जो है आपके पास या जो रॉड है बी की वो बकल हो जाएगी। तो सी की जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज सी क्रिटिकल, सी क्रिटिकल, ओके, सी क्रिटिकल आपके पास यहाँ पर आ गया। सो सी इक्वल टू जो कंप्रेशन है जब वो सी क्रिटिकल के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, बकलिंग होगी। दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन फॉर बकलिंग, एक्चुअली में इससे ज्यादा पे होगा लेकिन लिमिटिंग केस क्या होगा, जस्ट इक्वल टू, इससे जैसे ही ग्रेटर हुआ क्या हो जाएगा, बकलिंग। तो लिमिटिंग की लिमिटिंग वैल्यू आ गई फॉर बकलिंग, हमको जो लिमिटिंग वैल्यू है बकलिंग के लिए वो आ गई, ठीक है। तो हमको अब सी इसकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमको चाहिए एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू, ठीक है। सो एफ यहां से आ जाएगा आपके पास, एफ क्या होगा, एफ दैट इज इक्वल टू सी बाई रूट टू, या ऐसा कह लो कि सी जो की है, सी जो की रूट टू एफ है, इसको बढ़ाते बढ़ाते आप कहां तक ले गए, इक्वल टू क्या कर गए आप, सी सी आर तक कर दिया। इसको आपने एफ को इतना बढ़ा दिया कि जो वैल्यू मिल रही है आपको सी की, दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल लोड, ओके, क्रिटिकल लोड ऑफ। तो यहां से एफ आ जाएगा बेटा आपका, तो एफ आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन रूट टू, ओके, इंटू एल स्क्वायर, ओके, दिस इज द आंसर। तो यहां से आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपके पास कि एक कॉलम है, कॉलम हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 10x20 mm एंड लेंथ 1 मीटर दिया, स्लेंडरनेस रेशियो आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों के पास जो आपको 10x20 दिया है तो देखते थोड़ा सा गैस करना है कि ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रेक्टेंगुलर है तो ये वाला मिनिमम होगा आपके पास, सीधा देखते ही पता चल जाना चाहिए। अब बोलोगे सर ऐसा कैसा चमत्कार कर देंगे, बेटा देखो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। BH³/12 एक होगा आपके पास, दूसरा आपके पास HB³/12 होगा, इतना आपको क्लियर है क्या, जैसे कि इसको विड्थ बोलो इसको हाइट बोलो। तो अब देख लो इन दोनों में से कौन क्या करने पे मिनिमम मिलेगा, ऑब्वियसली बात है 20 का क्यूब जो होगा बड़ा होगा 10 के क्यूब से, इतना तो कॉमन सेंस हमारे पास है आई थिंक, ठीक है। तो चलो आई मिनिमम आपके पास ये 20 × 10³/12 हो गया, और उसके बाद एरिया तो जसका तैसे कैसे भी ले लो, 20 × 10 × 10 × 20 जैसा लिखना है लिख लो, ये आएगा आपके पास। अब यहाँ से आप लोग क्या निकाल लो, के मिनिमम निकाल लो, के मिनिमम हो जाएगा आपके पास रूट ओवर आई मिनिमम बाई ए, ठीक है, यहाँ से आप लोग निकाल लोगे। फिर आप लोगों का जो लेंथ है, लेंथ की बात करें तो बोथ एंड यहाँ पर पिंड दिया हुआ है, ओके, नहीं ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। तो जब ऐसा कुछ भी दिया नहीं होता है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट हम लोग बोथ एंड पिन मानते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखना कि जब आपको एंड कंडीशन नहीं दी जाती क्वेश्चन में तो याद रखना हमेशा कंसिडर करोगे बोथ एंड पिंड का, ठीक है, यानी बोथ एंड हिंज वाला जो केस है जहाँ एल इक्वल टू एल होता है उसको कंसिडर किया जाता है, बिकॉज दैट इज़ द स्टैंडर्ड केस, ठीक है। एल इक्वल टू एल हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड केस, या फिर उसको कहते हैं बेसिकली दैट इज़ अ फंडामेंटल सिचुएशन, जो आपके पास बोथ एंड आपके पास पिंड या हिंज कह लीजिए, पिंड और हिंज आप कह लीजिए, ओके, ये जो केस है दिस इज फंडामेंटल केस, दिस इज द फंडामेंटल केस,
या फिर फंडामेंटल एंड कंडीशन है ये बेसिकली, है ना, दिस इज द फंडामेंटल एंड कंडीशन। तो एक्चुअली कभी भी अगर आपको कोई केस नहीं मिल रहा है, नहीं दिया है स्टेटमेंट में, तो ये फंडामेंटल केस जो है उसको आप एज्यूम कीजिए, एल इक्वल टू एल आप लेकर के सॉल्व कीजिएगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 65 का लैम्डा आपके पास क्या आ रहा है। आपके पास चार ऑप्शन हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको कुछ नहीं, लैम्डा इक्वल टू एल ई बाई के मिनिमम करके आप लोग यहाँ से आंसर बताइए कमेंट करके कि आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 65 मेंशन करना, उसके आगे जो आपका आंसर या ऑप्शन जो भी आप लिखना चाहो आप बता देना कि क्या आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है कंसिडर अ स्टील कॉलम, बोल रहा है आपके पास यंग्स मॉडल्स दे रखा है, हिंज दे दिया है बोथ साइड पे, हाइट यानी कि उसकी लेंथ दे दिया है, क्रॉस सेक्शन दे दिया है, द लोएस्ट यूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड। तो आपके पास कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बेटा, आपको पीसीआर निकालना है, इज इक्वल टू आई स्क्वायर ई आई मिनिमम निकालना है अपॉन एल ई स्क्वायर, तो एल ई इज इक्वल टू एल हो जाएगा जो कि 1 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है। आई मिनिमम आप निकाल लोगे, आपको यहाँ पर अगेन जो डायमेंशंस दे करके रखे हैं, ओके दैट इज 10x20 अगेन, तो वही 20 × 10^3/12 ये आपके पास आई मिनिमम होने वाला है। आंसर आप लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल लोगे, दिस यहाँ से जस्ट फॉर्मूला में पुट करके डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे। मैं कैलकुलेट करके टाइम जो है नहीं निकाल रहा, आप लोग बिल्कुल इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर जो आएगा वो एग्जैक्टली करेक्ट होगा अगर आपने सारी चीज़ें सही रखी होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 67 जो आपको दे रखा है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको ना एक जो मासलेस इलास्टिक बीम है ऑफ लेंथ एल, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन डायमीटर डी यहाँ पर दे रखा है, डी जो है बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू एल, तो अगर इसको हम लोग कल को ऐसा डायग्राम को ऐसा पलट दें, जो डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है इसको आप ऐसा कर दो, तो आपको एक कॉलम की तरह दिखाई देगा एज बोथ एंड फिक्स्ड, है ना। तो जब डी वेरी लेस देन लेंथ है तो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग कॉलम की कैटेगरी में वो चला जाएगा बाई डिफॉल्ट, है ना। लेंथ बहुत ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शंस वगैरह उतने कम है, तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो जो मिलेगा ऑब्वियसली हाई मिलेगा। ऐसे हम लोग ने विदाउट नंबर्स जस्ट एक गैस कर लिया, क्योंकि डायमीटर बहुत कम है तो पतला होगा और लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो स्लेंडर बॉडी बोलते हैं, पतला लेकिन लंबा स्लेंडर बॉडी, तो लेंथ ज़्यादा होने के कारण स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो ज़्यादा होगा, तो यूलर्स थोड़ी यहाँ पर हम लोग लगा पाएंगे। फिक्स बोला है इसको, दो वॉल के बीच में बीम मटेरियल हैज यंग्स मॉडुलस ई, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा दे रखा है, ओके। इफ द बीम इज स्लोली एंड यूनिफॉर्मली हीटेड द टेम्परेचर राइज रिक्वायर्ड टू कॉज द बीम टू बकल इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है ये। आपके पास जो बीम है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ। अब देखना ये जो है ना, ये जो है इसको मैं इसको ऐसा घुमा दूँ अगर, तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉलम की तरह दिखाई देगा, सेम प्रॉब्लम, ठीक है, सेम जो प्रॉब्लम है कॉलम की प्रॉब्लम जैसी दिखाई देगी अब आपको, ठीक है। नाउ इसकी जो लेंथ है वो एल है, डायमीटर इसका डी है, ठीक है। नाउ जब आप इसको यूनिफॉर्म टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, यूनिफॉर्म टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं ये वाला कंडीशन भाई, बहुत अच्छे से जानते हैं, अल्फा डेल्टी इंटू एल माइनस पी एल अपॉन ए ई इज इक्वल टू जीरो होता है। ऐसे केस के लिए मैं लिखा चुका हूँ कि आपको पढ़ा चुका हूँ टॉपिक बहुत अच्छे से, ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ आपको थर्मल स्ट्रेसेस में, कैसे जब आप इसका टेम्परेचर चेंज करोगे डेल्टा टी तो ये सर्टेन एक्सपेंशन देना चाहेगा, लेकिन क्योंकि बेटा ये दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है दैट्स वाई जा नहीं पाएगा, और यहाँ पर क्योंकि एक्सपैंड होना चाह रहा था तो वॉल्स को पुश करना चालू करेगा तो वॉल से इसको एक कंप्रेसिव फोर्स इस तरह से पी मिलेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे पी की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा ये वॉल्स को पुश करेगा और उतना ही ज़्यादा उसको वॉल्स के थ्रू रिएक्शन फोर्स पी जो है वो मिलेगा। और हम जब इसको दो बोथ एंड्स पे कम्प्लीटली फिक्स कर देते हैं तो उसमें टोटल चेंज इन लेंथ जीरो होता है, यानी कि जो एक्सपेंशन पॉसिबल था अल्फा डेल्टी इंटू एल और जो वॉल ने प्रिवेंट किया दैट इज पी एल अपॉन ए, इन दोनों का अलजेब्रिक सम जीरो हो गया। ये हम लोगों ने देख चुका है पहले भी, थर्मल स्ट्रेसेस याद आ रहा है, अगर थर्मल स्ट्रेसेस नहीं देखे हो तो देखो, इसलिए ना स्टार्टिंग में सब चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग ताकि बार बार इस एक कंसेप्ट को नहीं पढ़ना पड़े। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट पता होगा, तो जितना आपके पास एक्सपेंशन मिल सकता था उतना ही पी फोर्स लगा करके आपने प्रिवेंट कर लिया। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, शॉर्ट में बता रहा हूँ, डेल्टी टेम्परेचर चेंज करने पर लेंथ कितना चेंज था, अल्फा डेल्टी इंटू एल,
दिस इज द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, और फोर्स लग रहा है क्योंकि वॉल से फोर्स आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स पी. तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू अ फोर्स इज पी एल अपॉन ए. अगर कोई भी चेंज इन लेंथ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, दोनों एंड पे फिक्स है, तो जितना एक्सपेंशन हो रहा है टेम्परेचर चेंज के कारण, उतना ही इस पी फोर्स के कारण कंप्रेशन हो रहा है. पी फोर्स के कारण कंप्रेशन कितना बेटा, पी एल अपॉन ए ही है, और टेम्परेचर के कारण चेंज इन लेंथ कितना है, अल्फा डेल्टा इनटू एल. सो अल्फा डेल्टा इनटू एल माइनस पी एल अपॉन ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा. अगर मान लीजिए कुछ गैप दे देता है इस तरह का, तो यहाँ पर इक्वल टू जीरो ना होकर के इक्वल टू गैप हो जाता है. ये हम लोगों ने देख लिया और पढ़ देख लिया पहले, और रिवाइज मैंने अभी करवा दिया आपको, ठीक है ना. आप जब टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो तो यहाँ पर बकलिंग हो सकती है ना इस तरह से, क्योंकि एक जो फोर्स आ रहा है तो कंप्रेसिव है, सो इट कैन कॉज बकलिंग. बट बकलिंग होगी कब, जब जब ये वाला जो पी है, ये वाला पी जब क्रिटिकल लोड के बराबर हो जाएगा. ये वाला लोड ज्यादा जो पी है, जब क्रिटिकल लोड के बराबर हो जाएगा तब ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तब ये आपको देखने को मिलेगा. या ऐसा कह लो अल्फा डेल्टी इंटू एल, ये पी बाई ए को, क्योंकि प्रिज्मेटिक है तो पी बाई ए सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा एल बाई ई इज इक्वल टू जीरो. तो ये जो सिग्मा है कह लीजिए, जब ये सिग्मा सी आर के बराबर हो जाएगा तब आप लोग को देखने को मिलेगा बकलिंग. तो अल्फा डेल्टी इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा सी आर इंटू एल अपॉन ई, ये आपके पास हुआ, ठीक है. तो हम लोगों को देखना है कि चेंज इन लेंथ जो है, टेम्परेचर राइज रिक्वायर्ड टू कॉज द बीम टू बकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो प्रोपोर्शनलिटी किसकी देखनी है, डेल्टी की देखनी है. तो ये होता है आपके पास पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ओके, ये होता है आपके पास सिग्मा, ओके, इंटू एल बाई ई कर दिया मैं, ठीक है, ये कर दिया मैंने. नाउ हियर यू विल सी, अगर आप इसको थोड़ा वैसा देखो तो, और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, ये पी एल वाला जो आपका टर्म है वहाँ से भी लिख सकते हो. तो ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा डेल्टी इंटू एल इज इक्वल टू पी सी आर इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, इसको ऐसा भी लिख सकते हो. दोनों से आप लोगों का आंसर सेम मिलेगा, ठीक है. पी सी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, ओके, इंटू एल बाई ए इंटू ई, है ना, ये हो जाएगा आपके पास. ई से ई कट गया, L से ये वाला L कट गया, ठीक है. तो यहाँ से जाएगा पाई स्क्वायर, दोनों से आंसर आ सकता है ना, मैं इससे निकाल दे रहा हूँ. पाई स्क्वायर आई मिनिमम, आई मिनिमम जैसे भी हो, अब आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है आपके पास, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो आई मिनिमम आप किसी कैसा भी लिखो वही होगा, पाई बाई 64 इंटू डी रेस्ट पावर 4 ही होगा. तो जाएगा पाई बाई 64 इंटू डी रेस्ट पावर 4, डी रेस्ट पावर 4, स्मॉल डी दिया हुआ है, ओके, हो जाएगा आपके पास डी रेस्ट पावर 4, ओके, अपॉन एरिया जो है, एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी रेस्ट पावर 4 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, पाई पाई वगैरह कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा. अब सारी चीज़ें कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट, और डेल्टी का सीधा लिख सकते हो, अब डेल्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर आएगा, ठीक है, डी स्क्वायर. तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर बी है बेटा, वो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, डी स्क्वायर. सो जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. अगर बकलिंग होने वाली है तो आप लोगों को इस हिसाब से टेम्परेचर चेंज करना होगा, सो दैट बकलिंग ना हो. सो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर आपका आ रहा है, ठीक है. आप लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो सेम थिंग, बट ये थोड़ा ईजी पड़ेगा, ये वाला थोड़ा ईजी पड़ेगा आपको, है ना, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है, एक आध स्टेप बढ़ सकते हैं, बाकी आंसर तो सेम आएगा, ओके. चलिए कॉलम का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 68. अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी. आपके पास ना दो आप लोगों को स्टील की स्ट्रिप्स दे रखी हैं, ठीक है, इस तरह से दो आपको स्टील की स्ट्रिप्स दे रखी हैं इस तरह से, ओके. ये दो आपके पास स्टील की स्ट्रिप्स हैं, विड्थ इज सेम और जो थिकनेस है वो भी दोनों स्ट्रिप्स का सेम है, टी टी. अब दो केस दिए गए हैं. फर्स्ट केस में क्या किया गया देखना, फर्स्ट केस में ना दोनों को परफेक्टली ग्लू कर दिया गया, दोनों के बीच में ना गोंद वगैरह लगा करके परफेक्ट बॉन्ड बना दिया. तो परफेक्ट बॉन्ड का क्या मतलब होता है, परफेक्ट बॉन्ड की बात करें अगर, परफेक्ट बॉन्ड, ओके, परफेक्ट बॉन्ड. तो परफेक्ट बॉन्ड मतलब कैसा, इनको दो जिस्म एक जान बना दिए हम लोग, ठीक है, दोनों अब सिंगल यूनिट हैं. तो ये बेसिकली दो स्टील स्ट्रिप्स
ऑफ बी क्रॉस टी ना हो करके अब परफेक्ट बॉन्ड हो गया है, तो एक सिंगल स्ट्रिप की तरह ये लगेगा। दैट मीन्स एक ऐसा स्ट्रिप मेटल का, स्टील का, जिसका विड्थ तो बी है और जिसकी जो हाइट है बेटा वो टू टी है, तो परफेक्ट बॉन्ड के केस में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका कुछ क्रिटिकल लोड आएगा पीसीआर। ओके, सो दिस इज विथ बॉन्ड, दिस इज विथ बॉन्ड, पीसीआर विथ लिख दे रहा हूं मैं, तो पीसीआर विथ आएगा आपके पास। अब दूसरा केस जो है उसमें विदाउट बॉन्ड, कोई बॉन्ड लगाया ही नहीं आपने, ऐसे ही जस्ट टिका दिया उसको, तो आप लोग क्या करोगे, देखो इस कॉलम पे ऐसा लोड लगने वाला है, ऐसा लोड लगने वाला है, ठीक है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड इसमें सरा से लगने वाला है, क्लियर बात है। अब जब ये सिंगल यूनिट रहेगा परफेक्ट बॉन्ड वाला, तो इसका पीसीआर विथ करके ऐसा एक कुछ इसका वैल्यू आएगा, वो हम लोग निकालेंगे अभी। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, जब विदाउट बॉन्ड रख रहे हो, तो ये जो कॉलम है इसमें, इसको आपने दो हिस्से में अलग अलग रखा हो, तो दो अलग अलग कॉलम है, इसके ऊपर ऐसा कुछ प्लेट रख दो और इसके ऊपर ऐसा वेट अप्लाई कर दो पी कंप्रेसिव, तो इसमें एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है, मटेरियल दोनों का सेम है, तो दोनों में बराबर बराबर जाएगा, तो इसमें गया आपके पास पी सी आर, है ना, इसमें आपके पास गया, इसमें लेटर से आपके पास गया पी वन, लेटर से इसमें गया आपके पास पी वन, इसमें गया पी टू, और पी वन और पी टू क्या होगा, एक समान होगा, तो जो टोटल इसमें पी आएगा दैट विल बी इक्वल टू और टू टाइम्स ऑफ पी वन या टू टाइम्स ऑफ पी टू भी लिख सकते थे। आई क्या बात समझ में। अब आप लोगों का जो सेकेंड केस है ना विदाउट जॉइंट वाला, तो उस केस में दो अलग अलग स्ट्रिप्स ही हैं बेसिकली, और आप उनको उसके ऊपर इस तरह से लोड लगा रहे हो, तो जो लोड होगा वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो उनको आपने परफेक्टली जोड़ दिया है, तो वो दो अलग अलग स्ट्रिप्स की तरह वर्क ना करके एक सिंगल स्ट्रिप की तरह वर्क करेंगे, जिसका विड्थ बी है और थिकनेस जिसकी टू टी है। लेकिन अब जो सेकेंड केस है ना उसमें ये अलग अलग वर्क करेंगे, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, ठीक है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग दिखेगा, एक सिंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिखेगा, दो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखेंगे, दोनों कुछ कुछ फोर्स कैरी करेंगे, दोनों क्योंकि आइडेंटिकल है, क्रॉस सेक्शन दोनों का बी इनटू टी है, मटेरियल सेम है, तो दोनों सेम लोड कैरी करेंगे। ओके, सो पी विथ निकालते हैं, जब पी विथ निकालेंगे तो फर्स्ट केस में पी सी आर विथ जो है यानी कि विथ जॉइंट, बेटा ये आ रहा है आपके पास पाई स्क्वायर ई आई, ई आई मिनिमम हो जाएगा आपके पास बी इंटू टू टी क्यूब बाई ट्वेल्व अपॉन एल ई स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपके पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से ओके पाई स्क्वायर ई, ये हो जाएगा आपके पास बी ओके इंटू ए टी क्यूब बाई ट्वेल्व अपॉन एल ई स्क्वायर, ऐसा यहाँ से लिखते हैं। जैसे आप पी वन निकालूंगा तो पी वन मतलब सिर्फ एक स्ट्रिप्स के लिए निकालूंगा, दिस इज बी दिस इज टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके, दिस इज पी विदाउट ना, दिस इज पी विदाउट, ये विदाउट की बात कर रहा हूँ, तो पहले पी वन निकाल लेता हूँ, तो ये जाएगा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाई एल ई स्क्वायर, तो इसका आई मिनिमम कितना हो जाएगा बी टी क्यूब बाई ट्वेल्व, तो ये जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर ई आई ई इंटू बी टी क्यूब बाई ट्वेल्व अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, एल ई की जगह सीधा एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एल ई लिखने दे, कोई रहने देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस तरह से। ओके, नाउ ये हो गया, और ये तो एक स्ट्रिप का हुआ, अब ऐसे दो स्ट्रिप हैं विदाउट जॉइंट में, तो जो आपके पास सेकेंड केस में जो आपके पास पी सी आर टू जो आ रहा है, पी सी आर विदाउट यानी कि विदाउट वाला जो आ रहा है, दैट इज टू टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर ई बी टी क्यूब बाई ट्वेल्व अपॉन एल ई स्क्वायर, ठीक है, ये है आपके पास, तो दोनों को आप कंपेयर करो, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है पर द रेशियो ऑफ पी दैट इज विथ बॉन्ड एंड विदाउट बॉन्ड, यानी कि हम लोग जो निकाल रहे हैं दैट इज पी विथ दैट मीन्स यहाँ क्वेश्चन में आपको पी से रिप्रेजेंट किया है, और जो पी विदाउट वाला है यहाँ पर उसको बेटा पी नॉट से कंसिडर किया है, तो ये आपको निकालना है क्वेश्चन में पी अपॉन पी नॉट, ठीक है, पी अपॉन पी नॉट आपको निकालना है, तो अब बस दोनों को आप लोग डिवाइड कर दो, आप लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पर, सो पी बाई जो पी नॉट है आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट फोर, यू विल गेट फोर, जस्ट डिवाइड करना है कॉमन एक्सेट्रा निकाल करके, तो आपके पास जो फोर है वो आपका आंसर आएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने जो कॉलम के क्वेश्चंस है वो करे, अब हम लोग देखते हैं स्प्रिंग के क्वेश्चन, ठीक है, हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग के क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग स्प्रिंग्स के क्वेश्चंस, ठीक है, तो स्प्रिंग के क्वेश्चन में जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 88 तक जाना है, लगभग 6 क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे स्प्रिंग बारे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब जैसे आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं,
तो दो स्प्रिंग्स के दो अलग अलग स्प्रिंग्स के जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे। लेट अस से आपके जैसे दो स्प्रिंग है, एन नंबर ऑफ स्प्रिंग हो सकते हैं, मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन दो स्प्रिंग ले रहा हूँ। तो जस्ट जैसे इसके इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट अस से दैट इज के वन, एंड जो सेकंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज लेट अस से के टू। ठीक है, नाउ आप डिफरेंट स्प्रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। सो इन कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग डेफिनेटली यू विल बी हैविंग टू कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग इन सीरीज एंड स्प्रिंग इन पैरेलल। तो जब स्प्रिंग सीरीज में होते हैं, जैसे सीरीज में होते हैं आपके पास स्प्रिंग्स, ओके, स्प्रिंग्स आपके पास सीरीज में होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखना, ओके, उस कंडीशन में दोनों का कुछ डिफ्लेक्शन जो है, कुछ डिफ्लेक्शन, ये दोनों में लोड, देखो अगर आप सेक्शन काट करके देखोगे, जैसे इसका डब्ल्यू वेट यहाँ पर मैंने लगा दिया सपोज, तो सेक्शन काट करके देख लो कहीं पर भी जो लोड ट्रांसफर हुआ है दैट इज डब्ल्यू। सो बोथ दी स्प्रिंग्स आर यू नो एक्सपीरियंसिंग सेम फोर्स, बट क्योंकि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अलग अलग है तो दोनों का डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा, सो लोड इज द सेम। तो इस पूरे जो आपने दो ऐसे स्प्रिंग लगा कर रखे हैं, ऐसे एन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आप लगा सकते हो एंड टू एंड कनेक्शन करके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके पास, इसका इस कॉम्बिनेशन का एक इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगा, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। यानी कि ये दो स्प्रिंग अगर लगे मान लो K1 और K2, तो इसको इसकी जगह आप एक सिंगल स्प्रिंग भी लगा सकते थे और वो भी सेम इफेक्ट देता, तो वो स्टिफनेस की वैल्यू क्या होगी, उस स्प्रिंग की स्टिफनेस की वैल्यू क्या होगी। सो दैट इज नोन एज द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। सो ये जो स्टिफनेस का जो स्प्रिंग का सिस्टम है, इस सिस्टम ऑफ स्प्रिंग का एक इक्विवेलेंट वैल्यू होता है, and for series that equivalent stiffness can be given as 1 upon k equivalent is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2, is tarah se. To ye ho gaya yahan se aapka k1 k2, okay, into ye ho jayega k1 plus k2, to yahan se k equivalent aa jayega aapke paas k1 k2 upon k1 plus k2, this is your k equivalent for series. To series mein ye aapka k equivalent hota hai. Now in case of springs in parallel, स्प्रिंग्स इन पैरेलल की बात करूं अगर, तो स्प्रिंग्स इन पैरेलल, ओके, तो स्प्रिंग जब पैरेलल में होंगे, जैसे कि ये दो स्प्रिंग लगा देना, एक स्प्रिंग ये रहा एक स्प्रिंग ये रहा, दोनों स्प्रिंग एक दूसरे के पैरेलल हैं इस तरह से, सो दे शेयर लोड, लोड जो है वो आपस में लोग बांट लेते हैं, आपस में जो लोड है उसको बांट लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलूँ कि ये जो आपके पास जो भी प्लेट है या जो भी रिजिड बार है, If this has to be remain horizontal, तो इस केस बेटा इसके दोनों का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रखना है तो डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो इस केस में डिफ्लेक्शन सेम हो गया और लोड दोनों में डिवाइड हो गया, लोड डिवाइड हो गया। तो यहाँ से ये जो सिस्टम ऑफ स्प्रिंग है इसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस में निकाल सकता हूँ। भाई इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होता है, समझिएगा इसको, कि जैसे एन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स किसी अरेंजमेंट में है, इट मे बी सीरीज इट मे बी पैरेलल, तो उस इतने सारे स्प्रिंग लगाने के बजाय एक सिंगल स्प्रिंग से आप पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हो, तो उस स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होगी, जो पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ स्प्रिंग को रिप्लेस कर सकता है, तो उस स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होगी जो पूरे को रिप्लेस कर सकता है, दैट स्टिफनेस इज नोन एज द इक्विवेलेंट स्टिफनेस। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होता है वो K1 प्लस K2 होता है, और अगर n नंबर ऑफ तक जा रहे हो तो प्लस इस तरह से KN तक जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास हो गया आपके सीरीज का, वो हो गया पैरेलल का। इसमें और आगे तक जा सकते हो, अगर आप और आगे तक जा चाहो तो जा सकते हो, अप टू KN आप लोग जा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन नंबर 82 के लिए, है ना, जो आपके क्वेश्चन नंबर 82 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है आपको, टू कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग हैविंग सेम नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्री एक्सियल लेंथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, वन स्प्रिंग हैज़ मीन कॉइल डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड इट्स वायर डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, द अदर वन हैज़ मीन कॉइल डायमीटर ऑफ, वहाँ पर डेटा मिसिंग है, वहाँ लिख लेना 8 सेंटीमीटर, जो सेकेंड वाले का जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर होगा, डेटा वहाँ पर बेटा मिसिंग है, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, और जो उसका वायर डायमीटर दैट इज 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो स्प्रिंग्स हो गई, कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग्स हैं इस तरह से, तो एक स्प्रिंग जैसे कि ये हो गया, तो इसका जो मीन कॉइल डायमीटर है दैट इज D1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड इसका वायर डायमीटर स्मॉल D1 दैट इज
1 सेंटीमीटर, जो सेकंड है इसके कॉन्सेंट्रिक में इस तरह से, तो सेकंड इसके कॉन्सेंट्रिक में इस तरह से स्प्रिंग डली हुई है, इसका जो मील कॉइल डायमीटर है दैट इज 8 सेंटीमीटर, एंड जो इसका बेटा वायर डायमीटर है आपके पास दैट इज 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इफ सेट ऑफ स्प्रिंग्स इज कंप्रेस्ड बाई एन एक्सियल लोड ऑफ 2000 न्यूटन, द लोड शेयर्ड बाई द स्प्रिंग्स विल बी। तो आपने इस पे इस तरह से एक लोड लगाया, ये जो है इस पे इस तरह से आपने ऐसा एक लोड लगाया 2000 न्यूटन का, इस पे एक लोड लगाया। नाउ ये जो लोड है कुछ पार्ट इसमें जाएगा एक स्प्रिंग में और कुछ पार्ट इसमें जाएगा। ठीक है, सो जो टोटल वेट आपने अप्लाई किया है, लोड आपने अप्लाई किया है, पी दैट इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, दोनों ने स्प्रिंग में क्या कर लिया, दोनों एक दूसरे के पैरेलली हैं, एक्सिस दोनों का कॉमन है हालांकि, बट दिस आर कॉन्सेंट्रिक। अगर आप इसको दबाओगे, अब देखो कैसे मुझे पता चला, बोलोगे सर आपको पता कैसे चला कि ये पैरेलल में है। बेटा अगर आप यहाँ पर एक मेंबर रखो इस तरह से दोनों के ऊपर और ऐसा जब लोड लगाओगे तो आप देख सकते हो बोथ आर अंडर गोइंग सेम डिफ्लेक्शन, जस्ट लाइक दी मेंबर, जस्ट लाइक दिस स्प्रिंग इन पैरेलल, दोनों का जो डिफ्लेक्शन है वो सेम है, दैट मीन्स ये पैरेलल में है। ओके, दोनों का डिफ्लेक्शन सेम होगा मतलब डेफिनेटली दोनों पैरेलल में होंगे, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो लोड दोनों में बढ़ जाएगा कुछ कुछ, कुछ लोड एक में जाएगा कुछ लोड दूसरे में जाएगा, तो जो टोटल लोड होगा P दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, सो जो टोटल लोड आ रहा है दैट इज 2000, हमको नहीं पता अभी P1 कितना है, हमको नहीं पता अभी P2 कितना, लेट अस से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्योंकि दोनों सेम, दोनों का डिफ्लेक्शन सेम है, डिफ्लेक्शन होता है आपका 8P d³ (n), ओके अपॉन gd^4, ये ओके आपके पास होता है। सो फर्स्ट वाले स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन और बेटा जो सेकंड वाले स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन है वो क्या है, वो बराबर है, सेकंड वाले का और फर्स्ट वाले का डिफ्लेक्शन बराबर है। ठीक है, और इसमें बोला है सेम नंबर ऑफ टर्न्स बोला है, लेंथ वगैरह भी दोनों की सेम है, मटेरियल भी दोनों का सेम है बोला है, तो नंबर ऑफ टर्न्स दोनों का सेम है तो ये एन एन कट जाएगा, दोनों का मटेरियल सेम है बेटा जी जी भी कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, एट एट यहाँ पर से काट दो। अब यहाँ पर जो आपके पास दिस इज पी वन ओके इंटू डी क्यूब दैट इज 12 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये फर्स्ट वाले का दिस इज 1 स्क्वायर ओके इंटू ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पी टू इंटू 8³ अपॉन दिस डी वाई डायमीटर ऑफ सेकेंड दैट इज 0.6 rest to power 4, ये 4 होगा ना, पावर 4 होगा। ठीक है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर थी। ओके, नाउ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P1 इज इक्वल टू P2 इंटू 8³ by 12³ ओके इंटू 0.6 rest to power 4। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, दोनों के बीच यहाँ पर आप लोग को रिलेशन मिल जाएगा P1 और P2 के बीच में, तो 8³ upon 12³ इंटू 0.6 rest to power 4 ओके, तो ये आपके पास आ जा रहा है यहाँ से आ रहा है पी वन ओके इज इक्वल टू 2.2862 इन टाइम्स ऑफ पी टू, ये आ जा रहा है। ठीक है, ये आ गया आपका, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, सो 2000 इज इक्वल टू पी वन दैट इज पी वन की जगह रख दिया मैं 2.2862 P2 प्लस P2, ये हो गया आपके पास, तो जाएगा 3.2862 टाइम्स ऑफ P2, P2 यहाँ से आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू 3.2862। ठीक है, सो इसको डिवाइड कर देते हैं 2000 डिवाइडेड बाई 3 × 2862, तो ये आपके पास आ जा रहा है 608। ठीक है, 60 तो ऑप्शन में दिख गया, एक ही ऑप्शन में 608 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास 608.6 समथिंग है ना न्यूटन, तो ये ऑप्शन नंबर बी में ही आएगा, बाकी किसी में तो नहीं है। और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2.2862 का, तो आपको P1 मिल जाएगा, P1 यहाँ से आ जा रहा है आप लोग पास मल्टी इस इक्वेशन से P1 आ रहा है आपके पास 1391.394 ये आपके पास आ रहा है। ओके, दिस इज योर आंसर। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखना क्या बोल रहा है, कॉइल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इज कट एग्जैक्टली एट द मिडिल एंड टू स्प्रिंग थस मेड द
मेड आर अरेंज्ड इन पैरेलल। एक स्प्रिंग को आप 20 से काट दे रहे हो, एग्जैक्टली 20 से काट रहे हो तो क्या होगा? बताया था मैंने, आप कमेंट करके बताइए कि एक स्प्रिंग को जब आप 20 से काटते हो तो क्या होता है, मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताया है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है वो क्या होगा बोला है, उनको अरेंज किया गया है पैरेलल में, ठीक। तो एक स्प्रिंग में आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न है, आपने इसको एग्जैक्टली 20 से काट दिया तो अब एन बाई टू हो गया, तो आपका जो के डैश होगा नया वाला वो 2 times of k होगा। कैसे भाई? हम लोगों ने जो के का फॉर्मूला देखा है ना, के का जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, दैट इज जी डी रेस्ट टू पावर 4/8 इंटू डी क्यूब इंटू एन। तो यहाँ से सब चीज़ सेम है क्योंकि आपने एक ही स्प्रिंग को 20 से काटा है, सो के ओनली डिपेंड्स ऑन एन। 20 से काटने पे एन हाफ हो जाएगा तो नया वाला जो के आएगा वो पुराने वाले का 2 गुना हो जाएगा, स्टिफनेस डबल हो जाएगी, बताया था मैंने थ्री लेक्चर में। तो हर एक स्प्रिंग का स्टिफनेस अब क्या हो गया बेटा, 2k हो गया। हर एक स्प्रिंग का स्टिफनेस 2k हो गया। अब 2 स्प्रिंग्स बन गए आपके पास, इसका भी 2k है और दूसरा जो हाफ है उसका भी अब कितना है, 2k है। दोनों को आपने इस तरह से पैरेलल में लगा दिया तो अब इसमें क्या होगा, इसकी जो स्टिफनेस आएगी इक्विवेलेंट स्टिफनेस पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2k + 2k, k1 + k2, यानी कि 2k + 2k दैट इज 4k। तो 4k बेटा आपका आंसर है, ठीक है, 4k, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन 84 में बोल रहा है, द क्लोजली कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ 10 mm डायमीटर स्प्रिंग वायर विद द कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 10 turns। आपके पास n जो है यहाँ पर बेटा 10 देके रखा है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है मीन वायर डायमीटर जो है दैट इज d इज इक्वल टू आपको 120 mm दे रखा है, ठीक है। स्प्रिंग कैरीज एन एक्सियल पुल आपको दे रखा है, लोड जो रहा है दैट इज 200 newton, ठीक है। उसके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द स्प्रिंग नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बोला है वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू कर्वेचर भी अगर मेंशन करना है हम लोगों को, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू कर्वेचर आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर लेना है, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू कर्वेचर आप लोग मेंशन कर लो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर सिर्फ अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर आप कंसिडर नहीं करते तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम और आप लोग को शियर स्ट्रेस बताना है, नेग्लेक्टिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अगर आप कुछ भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन यानी कि ड्यू टू कर्वेचर और ड्यू टू डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते तो आंसर 61 के अप्रॉक्स आता है आप लोग का, ठीक है। 61.5 newton per mm² के अराउंड आपका आंसर आएगा, आई हैव जस्ट चेक्ड। और अगर वहाँ पर आप लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है कंसिडर करोगे ड्यू टू डायरेक्ट शियर दैट इज KS आप कंसिडर करोगे तो KS आप लोग को पता है क्या होता है, ठीक है। KS आप लोग निकाल चुके हैं, KS जो होता है आपके पास दैट इज 1 + 1/2c, ये आपके पास होता है 1 + 1/2c, ओके। तो इसको अगर आप कंसिडर करते हो तो आप लोग का आंसर जो है जो ऑप्शंस में उसके अकॉर्डिंग आएगा और इसको आपको कंसिडर करना है। स्टेटमेंट में थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन ओके ड्यू टू कर्वेचर उसको निग्लेक्ट करना है, वो कर्वेचर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू कर्वेचर दैट टर्म इज ड्यू टू कर्वेचर इज मिसिंग, तो कंसिडर कर लेना उसको, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। नाउ तो ये हो गया आपके पास KS, ये अब तो आपके पास KS है ना, तो यहाँ से KS अगर आप किए जो इस पर आपके पास शियर स्ट्रेस आएगा दैट इज KS into tau दैट इज KS into 8PD upon pi d cube, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। KS आप लोगों को निकालना है अगर तो KS आप लोगों के पास सिंपल C जो होता है दैट इज द स्प्रिंग इंडेक्स, ये हो गया आपके पास, सो हो जाएगा आपके पास ये 120 और जो वायर डायमीटर है आप लोगों के पास दैट इज 10 mm है ना, वायर डायमीटर इज 10 mm, तो हो जाएगा आपके पास ये 12, हो जाएगा 12 सीधा। तो यहाँ से आप लोग सीधा इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा 1 + 1/2 × 12 ओके × 8 × p, लोड कितना आ रहा है 200 ओके × d upon pi × d³, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 1/2 × 12 ओके × 8 p d upon pi d³, तो 63.6
66 है जो कि आपका आंसर आ रहा है, दैट इज आपका 63.5 जो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसके क्लोज है, ठीक है। तो ये आपका 63.66 आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आ रहा है ये टाउ, ओके। देन आपको डिफ्लेक्शन पूछा है, डिफ्लेक्शन आपको पूछा है, तो डिफ्लेक्शन दैट इज डेल, डेल जाएगा आपके पास 8 PD³ × n / g^4 आपके पास होगा, ठीक है। आपको g वगैरह सब दे रखा है, सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं, जाएगा 8 × 200 × 120³ × n जो है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है, 10 टर्न्स दे रखा है, ओके, अपॉन g, 80 दे रखा है किलोन्यूटन पर एमएम, तो उसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कर देंगे × 10⁴, ये ठीक है। जिसको सॉल्व करते हैं तो ये अराउंड आपका आ जाएगा 34.6 mm के अराउंड आपके पास आ जाएगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है दैट विल बी द राइट आंसर। तो स्प्रिंग के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली आप लोग के पास फॉर्मुला बेस होते हैं, मैकेनिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हम लोग इसको एमडी में भी पढ़ते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको स्प्रिंग्स बता दिया है, तो जो एमडी का क्रैश कोर्स होगा उसमें मैं आप लोगों को स्प्रिंग्स जो है वो कवर नहीं करवाऊंगा, ठीक है। यहीं से आप लोगों को जो स्प्रिंग्स की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से जितनी रिक्वायर्ड है वो हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो एमडी वाले क्रैश कोर्स में स्प्रिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ 85, ओके, बोल रहा है आप लोगों को कि एक हेलिकल कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग है 10 Nm/mm रेटिंग, दैट इज़ उसका जो के है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर रहा हूँ, उसका एक का के जो दे रखा है दैट इज 10 Nm/mm, दूसरा वाले का जो के दे रखा है दैट इज 8 Nm/mm, ठीक है। दोनों को क्या किया गया है, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ टोटल कॉम्बिनेशन डिफ्लेक्शन ऑफ 40, दोनों को कंबाइन किया गया है और कंबाइंड डिफ्लेक्शन 45 दे रखा गया है यहाँ पर इस तरह से। अब उसको कंबाइन किए हो लाइक दिस, दोनों का कंबाइंड डिफ्लेक्शन जो है वो 45 है, ठीक है, 45 mm है दोनों का। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, अगर पैरेलल की बात होती तो सीधा पैरेलल में ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकता, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्टली सीधा इसका 45/2 करके आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन का जो आप लोगों के पास डिफ्लेक्शन है दैट इज 45 थ्रू द टू स्प्रिंग, ओके। तो उसमें लोड कितना लग रहा होगा ये बोल रहा है आप लोगों का, लोड कितना लग रहा होगा, तो लोड कैसे निकालेंगे, इसका के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका जो टोटल जो डिफ्लेक्शन आया उसके हिसाब से पी अपॉन डेल जो आपके पास आया है, डेल इज 45, तो के इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। के इक्विवेलेंट तो पी जो होगा वो के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय डेल हो जाएगा, है ना। दो स्प्रिंग है आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू डेल दैट इज 45, है ना। के वन के टू दैट इज इट, आपके पास 10 और 8 दे रखा है, 10 × 8/18 ये हो गया आपके पास × 45, तो 200 आपके पास यहाँ से आ रहा है आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बेटा वो होगा आपका करेक्ट, है ना, 200 Nm डायरेक्टली यहाँ से आंसर आ रहा है। तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट निकाल देंगे, तो ये के इक्विवेलेंट ये मिलकर के पी लोड कंसिडर कर रहा है एंड टोटल जो डिफ्लेक्शन दे रहा है दैट इज डेल, डेल आपको दे रखा है क्वेश्चन में 45, तो यहाँ से हम लोगों को कितना वो लोड कैरी कर रहा होगा ये पूरा सिस्टम ऑफ स्प्रिंग वो मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 86, टू हेलिकल टेंसाइल स्प्रिंग ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑल्सो हैविंग आइडेंटिकल मीन कॉइल डायमीटर एंड वेट है, वायर डायमीटर आपको दे रखा है D/2 एंड डी दो रख रखा है आपको, है ना, रेशियो ऑफ देयर स्टिफनेस इज, तो आपके पास जो मटेरियल है दोनों का वो सेम है, वायर डायमीटर भी दोनों का सेम है, तो जो K होता है आपके पास K दैट इज G^4/8 × d³ × n ये होता है, तो ये सेम है, ये सेम है, तो के जो है, और नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह की बात इसमें नहीं किया है, ओके, और वेट भी दोनों का इसमें सेम रखा है, तो दोनों के रेशियो, दोनों के स्टिफनेस का रेशियो क्या होने वाला है। अब देखो वेट की बात किया है, वेट यहाँ पर सेम है बोल रहा है, वेट यहाँ पर सेम है, यहीं से कुछ डेटा निकल करके आएगा। अब आप लोग क्या देखोगे, देखो अगर डी सेम है जी सेम है लेकिन वायर डायमीटर दोनों का अलग अलग है, वायर डायमीटर दोनों का अलग है, एक का वायर मोटा है डी है और एक का वायर पतला है D/2 है, और अगर वेट दोनों का सेम है तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग अलग होंगे, है ना। तो देखो अगर एक वायर का डायमीटर अगर आपके पास स्मॉल डी है, एक वायर का डायमीटर अगर आपके पास स्मॉल डी है, मीन कॉइल डायमीटर उसका डी है,
तो एक कॉइल का, ये एक कॉइल बना ऐसा, एक टर्न बना, तो एक टर्न का लेंथ कितना हो बेटा, एक टर्न का लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस लेंथ विल बी पाई इन टू डी। अब ऐसे कितने टर्न्स होंगे बेटा, इतने एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ओके इतने एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। मान लीजिए कि आपका स्प्रिंग जो है, आपका जो स्प्रिंग जो है उसकी वेट डेंसिटी गामा है, गामा इसकी वेट डेंसिटी है, तो वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स यू द वेट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, वायर डायमीटर डी है तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर, तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू लेंथ दैट इज पाई इंटू डी इंटू एन, ये हो जाएगा, है ना। अब फर्स्ट केस और सेकेंड केस का जो मीन कॉइल डायमीटर है वो सेम है, मीन और मटेरियल भी सेम है, ओके तो देखो फर्स्ट केस का ये वायर डायमीटर डी वन, दैट वायर डायमीटर डी है उसको डी वन लिख देता हूँ मैंने, और सेकेंड और उसका नंबर ऑफ टर्न्स एन वन है, मीन कॉइल डायमीटर सेम है, मटेरियल सेम है। सेकेंड केस में जो डायमीटर है पाई बाई फोर दैट इज डी बाई टू, ओके पाई डी इन टू नंबर ऑफ टर्न्स एन टू, ठीक है तो पाई डी यहाँ से कट गया, पाई बाई फोर कट गया, गामा और गामा यहाँ से कट गया, ठीक है यहाँ से कट गया इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरफ से, इस तरफ डी स्क्वायर इंटू एन वन, डी स्क्वायर इंटू एन वन इज इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर बाई फोर, ओके इंटू एन टू, ठीक है ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर कट गया, तो एन वन इज इक्वल टू एन टू बाई फोर, यानी कि जो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है उसमें कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है ऑब्वियसली बात है फर्स्ट केस में वायर डायमीटर ज़्यादा है डी है तो सेम वेट की कंडीशन के लिए उसमें कम नंबर ऑफ टर्न्स लगेंगे सॉरी जिसमें वायर डायमीटर्स कम है डी बाई टू है उसमें से उसमें ऑब्वियसली बात है ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे तभी तो आपका वेट बराबर होगा ना, ठीक है तो यहाँ से आप लोगों को रिलेशनशिप मिल गया, ठीक है यहाँ से आपको रिलेशनशिप मिल गया, तो एन टू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो फोर एन वन, ठीक है इस तरह से आप लोग लिख सकते हो या फिर जैसा भी है आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो दोनों इक्वेशंस को। तो नाउ जो के वन है, के जो है आपके पास दैट इज जी डी रेस टू पावर फोर अपॉन एट डी क्यूब इंटू एन, तो हम लोगों को क्या पूछा है यहाँ पर, हम लोगों को पूछा रेशियो ऑफ स्टिफनेस, तो फर्स्ट केस के लिए यहाँ एन वन यहाँ डी वन, सेकेंड केस के लिए ठीक है जी ये हो जाएगा डी टू यहाँ से एट डी क्यूब इंटू यहाँ एन टू हो जाएगा, ठीक है इस तरह से दोनों का रेशियो पूछा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और जो यहाँ से के वन बाई के टू ये जा रहा आपके पास डी वन रेस टू पावर फोर अपॉन एन वन इंटू एन टू अपॉन डी टू रेस टू पावर फोर, ठीक है तो जो आपके पास डी वन है दैट इज डी, एन टू जो है दैट इज फोर टाइम्स ऑफ एन, है ना फोर टाइम्स ऑफ एन वन, ओके और डी टू जो है दैट इज डी बाई टू, सो डी रेस टू पावर फोर, डी रेस टू पावर फोर बाई टू रेस टू पावर फोर दैट इज 16 हो जाएगा, तो 16 ऊपर चला गया ये हो गया आपके पास कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितना हो गया भैया 64 आ रहा है, तो के वन बाई के टू जो आ रहा है दैट इज 64, ओके 64 विल बी द राइट आंसर, 64 ऑप्शन नंबर सी, 64 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते बेटा 87 क्वेश्चन नंबर 87 ठीक है क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। इफ द वायर डायमीटर ऑफ अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड इज इंक्रीज फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, अगर जो वायर डायमीटर है ठीक है ऑफ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड उसको आप लोग डबल कर दे रहे हो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कर देते हो और अदर पैरामीटर्स जो है वो सारे आप कांस्टेंट रखे हो, यानी कि मीन कॉइल डायमीटर हो गया, मटेरियल हो गया, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल हो गया, सारी चीज़ कांस्टेंट है, तो डिफ्लेक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ, तो डिफ्लेक्शन कितना फैक्टर इंक्रीज होगा, तो डेल्टा है आपके पास 8 pd³ इंटू एन अपॉन gd रेस टू पावर 4 आपके पास होता है, तो सब चीज़ कॉन्स्टेंट है, आपने क्या किया है जो डायमीटर है वायर डायमीटर उसको क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया है, ठीक है तो जो नया वायर डायमीटर है वो पुराने का 2 गुना है, तो इसमें अगर आप कर देते हो तो डेल डैश कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम डी डैश एंड डी डैश इज इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स ऑफ डी,
टू टाइम्स ऑफ डी, तो टू रेस टू पावर फोर दैट इज 16, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1/16, है ना, 1/16, सो इट विल डिक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ, देखो पुराना आ गया आपके पास, पुराना ये पुराना डिफ्लेक्शन डेल हो जाएगा, ठीक है, और यह आ जाएगा 1/16, तो जो नया डिफ्लेक्शन है वो आ रहा है 1/16 टाइम्स ऑफ द ओल्ड डिफ्लेक्शन डेल, तो कितने फैक्टर से चेंज हुआ, कितने फैक्टर से डिक्रीज हुआ, 16 के, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बेटा वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में देखो क्या बोल रहा है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन, क्या होता है, जी डी रेस टू पावर 4 अपॉन 8D³ इंटू एन, ये होता है आपके पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, तो जी पे यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है, वायर डायमीटर पे डिपेंड करता है, मीन कॉल डायमीटर पे और नंबर ऑफ एक्टिव कॉल पे डिपेंड करता है। अब इसमें कॉल डायमीटर दिया ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है क्या, देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स, वायर डायमीटर, तो कॉल डायमीटर, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स और वायर डायमीटर पे, ये तीन चीज़ों दिख गया आपको, वायर डायमीटर दैट इज ऑप्शन डी दिख गया, डिपेंड करता है, मतलब नंबर ऑफ एक्टिव टर्न डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता उसकी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है, मटेरियल की स्ट्रेंथ पे बात, ये स्ट्रेंथ नहीं है ना, दिस इज नॉट द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये क्या है, ये कौन उसका मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है मटेरियल का, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता ये चीज, ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये मत सोचना कि सर जी तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, नो, जी स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, जी आता है कहाँ से, हुक्स लॉ से, शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेन डायग्राम जब बनाते हैं हम लोग किसी लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए, तो उसका जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी, इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, इसका जी से, जी का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर रखना अपने दिमाग में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 89, और मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओ, क्योंकि बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, देखो क्या बोला है, वायर डायमीटर ऑफ अ कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 2%, जो वायर डायमीटर है डी उसको इंक्रीज कर देगा, तो यानी कि जो नया डायमीटर है वो पुराने डायमीटर से 2% ज़्यादा है, 2% ज़्यादा मतलब 1.02 टाइम्स ऑफ द ओल्ड वायर डायमीटर, 102% हो गया ना, 100 का 102% को फ्रैक्शन फॉर्मूले को 1.02 मिलेगा, और क्या बोला है, और कुछ नहीं किया गया, मतलब सिर्फ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का जो आपका वायर डायमीटर है उसको इंक्रीज किया गया है बाय 2%, ओके, उसको इंक्रीज किया गया है बाय 2%, तो उसके बाद बोल रहा है कि चेंज इन स्प्रिंग स्टिफनेस कितना परसेंटेज होगा, तो हमारा जो ओल्ड स्टिफनेस था, ओल्ड स्टिफनेस जो था के, दैट इज जी डी रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 8D³ इंटू एन, ये था, ये ओल्ड वैल्यू थी, नया वैल्यू के डैश है, के डैश किसके हिसाब से निकलेगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, हम लोग जस्ट जो आपका वायर डायमीटर था उसको 2% इंक्रीज कर दिए हैं, तो जस्ट आप रेशियो निकाल करके बताओ कि कितना आएगा परसेंटेज चेंज, जो है परसेंटेज निकालना, यानी कि न्यू चेंज इन स्टिफनेस, ओके, चेंज इन स्टिफनेस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल स्टिफनेस, परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो चेंज इन स्टिफनेस जो आया, ओके, डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल स्टिफनेस था मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये करिएगा, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा बेटा जो आप लोग का आंसर आ रहा है, और इसके ही साथ आपका जो स्प्रिंग वाला चैप्टर है पूरा एंड होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर पे, एंड देन उसके बाद हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो है एमएसक्यू वाले क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, ओके, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।